छह गेंद 29 रनों की दरकार, रिंकू ने लगा दिए लगातार 5 छक्के और जीत गई केकेआर। कभी झाड़ू पोछा लगाने का काम मिला था, उसने कहा क्रिकेट ही मेरा करियर बनाएगा। 9वीं फेल रिंकू ने इतने तेज रन बनाए कि पढ़े लिखे कैलकुलेटर लेकर रन जोड़ने लगे। जैसे वो कमरे की सफाई करता था, वैसे ही उसने यश दयाल के गेंदों की सफाई कर दी। क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ कि इससे पहले न कभी देखा था न कभी सुना था। मैच की आखिरी 5 गेंदों पर 29 रन चाहिए थे और किसी खिलाड़ी ने 5 छक्के लगाकर वो काम कर दिया। शाहरुख खान कहने लगे, रिंकू मेरे बच्चे, वाह तूने कमाल कर दिया। करोड़ों रुपए लेकर खेलने वाले खिलाड़ियों पर 80 लाख में बिकने वाला ये प्लेयर एक ही पारी खेलकर छा गया। कप्तान नीतीश राणा की पीठ पर सवार होकर मुस्कुराहट बिखेरता रिंकू सिंह 2 कमरों के छोटे मकान में रहने वाला एक लड़का हुआ करता था। परिवार पालने के लिए उसने झाड़ू पोछा तक किया। वहीं रिंकू क्रिकेट इतिहास में अंतिम ओवर में लगातार 5 छक्के मारकर मुकाबला खत्म करने वाला दुनिया का इकलौता और पहला बल्लेबाज बन गया। रिंकू को 2018 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 80 लाख में खरीदा था। आईपीएल के हिसाब से बहुत कम रकम थी, लेकिन रिंकू का बयान आया कि मेरे खानदान में इतना पैसा कभी किसी ने नहीं देखा। रिंकू ने गुजरात के खिलाफ अंतिम ओवर में जो किया, उसके बाद समूची दुनिया कह रही है कि हमने कभी किसी भी क्रिकेट मैच में ऐसा कुछ नहीं देखा। रिंकू ने यश दयाल की गेंद पर लगातार 5 छक्के मारकर केकेआर को हारा मैच जिता दिया। केकेआर को जीत के लिए आखिरी ओवर में चाहिए थे 29 रन। गेंद यश दयाल के हाथों में थी, जबकि स्ट्राइक पर थे उमेश यादव। उमेश ने पहली गेंद पर सिंगल लिया, स्ट्राइक रिंकू को मिली। ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस, रिंकू ने इसे वाइड लॉन्ग ऑफ के बाहर छक्के के लिए भेज दिया। तीसरी गेंद लेग स्टंप की ओर लोअर फुल टॉस, रिंकू ने इसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर आसमान में विदा कर दिया। चौथी गेंद फिर से फुल टॉस, रिंकू ने इस पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगा दिया। अब आखिरी 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। मुकाबला देख रहे दर्शकों की धड़कनें बढ़ रही थी। 5वीं गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच डिलीवरी, रिंकू ने इसे लॉन्ग ऑन की तरफ बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। अब आखिरी गेंद पर चाहिए थे 4 रन, ये गेंद भी ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच, रिंकू ने पूरी ताकत से शॉट मारा, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर उड़ गई। कोलकाता ने आखिरी ओवर में मैच 3 विकेट से अपने नाम कर लिया। रिंकू का बचपन काफी अभावों में बीता है। उसके पिता घर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम करते थे और पूरा परिवार उसी सिलेंडर बांटने वाली एजेंसी से सटे 2 कमरों वाले मकान में रहता था। अलीगढ़ स्टेडियम के पास रहने वाले इस परिवार के 5 बच्चों में रिंकू तीसरे नंबर पर है। रिंकू का एक बड़ा भाई ऑटो रिक्शा चलाता है, दूसरा कोचिंग सेंटर में काम करता है। 80 लाख में बिकने के बाद रिंकू ने बयान दिया था कि सोचा था 20 लाख में जाऊंगा, लेकिन मुझे 80 लाख मिल गए। पैसे मिलने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं कैसे अपने भाई की शादी में मदद करूं और बहन की शादी के लिए पैसे बचाऊंगा और एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। मिडिल क्लास लड़के पैसे कमाने के बाद सबसे पहले परिवार के बारे में ही सोचते हैं। उन्हें लगता है कि अगर परिवार को थोड़ी सी भी मदद कर दी तो समझो जिंदगी सफल हो गई। आपको बता दें, रिंकू ने इससे पहले बहुत बुरे दिन देखे थे। इस ऑक्शन से 3 साल पहले उनके परिवार पर 5 लाख रुपए का कर्जा था और इस परिवार की कमाई में ये पैसा वापस करना आसान नहीं था। 9वीं क्लास में फेल हो चुके रिंकू पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्हें पता था कि उनकी किस्मत क्रिकेट से ही पड़ सकती है। ऐसे में उन्होंने पूरा ध्यान इसी पर लगा दिया। रिंकू उस वक्त यूपी अंडर 19 टीम के लिए खेलते थे और यहाँ से होने वाली सारी कमाई उन्होंने इस कर्ज को उतारने में लगा दी। इस बारे में रिंकू ने कहा था कि पापा भैया महीने के 6-7 हजार ही कमा पाते थे, मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है इसलिए मेरे पास क्रिकेट पर फोकस करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। रिंकू के परिवार का उन पर बहुत भरोसा तब बढ़ा जब उन्हें दिल्ली के एक टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज बनने पर एक मोटरसाइकिल मिली। अब पिताजी इस मोटरसाइकिल के जरिए सिलेंडर डिलीवर करने लगे। हालांकि हालात अब भी बहुत अच्छे नहीं थे। ऐसे में रिंकू ने अपने भाई से कुछ काम दिलाने को कहा। इस बारे में उन्होंने बताया कि मुझे वो जहां ले गए वहां मुझसे साफ सफाई और पोछा मारने का काम कराया गया। मैं घर लौटा तो अपनी माँ से बोला कि मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगा, मुझे क्रिकेट में अपना भाग आजमाने दीजिए। आईपीएल 2023 में रिंकू सिंह को 80 लाख में खरीदने के बाद कोलकाता की टीम हर साल उन्हें रिटेन करती है। आखिरकार रिंकू ने अपना जलवा दिखाई दिया, कोलकाता को क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक मुकाबला जिता दिया। झाड़ू और पोछा मारने से शुरू हुआ संघर्ष अब रंग ला रहा है। मिडिल क्लास परिवार का लड़का दुनिया हिला रहा है।